साइड में देखते हैं, ये है एक जनरेशन अटैच सबस्टेशन है, एक ट्रांसमिशन का सबस्टेशन है। इसमें सब सब केवी का वोल्टेज हमने कंसिडर किया है। ये 200 केवी का बस है, फिर ये 132 केवी का बस है, 400 केवी का बस है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि हमारे घर पे जो पावर आता है, ये इधर एक रेसिडेंशियल कंज्यूमर दिखाया है हम लोगों ने, ये हमारा घर है। हमारे घर पे जो पावर आता है वो कौन से स्टेजेस पास करके आता है, उसमें बहुत सारे स्टेजेस है, वो एक बार वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे क्या स्टेजेस है। तो ये पहला स्टेप है कि यहाँ पे पावर जनरेट होता है। अभी जो पावर जो जनरेट होता है वो 10.6 केवी लेवल पे होता है। अभी आप पूछेंगे कि वोल्टेज लेवल 10.6 केवी की ही क्यों है। 10.6 केवी इसके लिए है कि इस वोल्टेज लेवल पे जो पावर जो जनरेट होता है वो इकोनॉमिकल होता है। उससे कम ज़्यादा अगर करेंगे तो उतना वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, इसके लिए वो 10.6 केवीपी होता है। उसके कुछ टेक्निकल रीजंस है, वो हम लोग बाद में किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग इतना ही देखते हैं कि 10.6 केवी पर पावर जनरेट होता है। तो ये पावर जो है, जनरेट जो पावर होता है वो हम लोग एक ट्रांसफार्मर को देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसका हम लोग जनरेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वो क्या करता है कि वो स्टेप अप करता है, वो पावर जो है 10.6 केवी वोल्टेज लेवल है उसका, उसको स्टेप अप करके 220 केवी लेवल तक लेके जाता है। अभी ये और ये 220 केवी इसके लिए लेके जाते हैं, स्टेप अप करते हैं, क्योंकि वो 220 केवी लेवल जो है उस पर हम लोग उसको पावर को हम लोगों को ट्रांसमिट करना है। अभी इतना हाई वोल्टेज लेवल इसके लिए यूज़ होता है क्योंकि जितना वोल्टेज लेवल हाई रहेगा उतना लॉसेस, लाइन का लॉसेस कम रहेगा। उसका भी हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वोल्टेज लेवल हाई रखने से लॉसेस कैसे कम होते हैं। तो अभी हम लोग इतना ही देखेंगे कि ये जो पावर है 220 केवी लेवल तक हम लोग ने स्टेप अप किया है, फिर उसको हम लोग एक बस में देते हैं। बस मतलब क्या होता है, वो भी एक कंडक्टर ही होता है पर उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा रहता है और वो ट्विन कंडक्टर यूज़ करते हैं उसमें हम लोग। तो ये बस में क्या होता है कि पावर आता है जाता है सब एक जगह पे, बहुत इनकमिंग आउटगोइंग्स रहते हैं। तो ये बस में अभी हमारा पावर आ गया 220 केवी का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को घर में पावर चाहिए तो कैसे करेंगे, फिर ये जो है पावर है उसको हमको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रांसफार्मर इधर दिखाया है, ये एक पावर ट्रांसफार्मर है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 220 केवी लेवल का जो पावर है उसको स्टेप डाउन करके 33 केवी में कन्वर्ट करता है। फिर इसको हम लोग जो है ये फिर इधर से डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट शुरू होता है, जो हम लोग वितरण बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जो रोड पर जो पोल रहता है, फिर उधर उधर पावर जाता है, फिर उधर उनका एक ट्रांसफार्मर रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, वो और स्टेप डाउन, फर्दर स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, 33 केवी से वो 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ये ट्रांसफार्मर हम लोग देखते हैं कि रोड के साइड में रहता है, बिल्डिंग्स हर एक बिल्डिंग को कंपलसरी रहता है एक ट्रांसफार्मर लेने को। फिर ये जो 415 वोल्ट है फिर वो इधर वो जाता है इंडस्ट्रीज़ को या कमर्शियल यूनिट को, थ्री फेज पावर सप्लाई लगता है। फिर वो अपने घर पे जो आता है वो सिंगल फेज पावर में कन्वर्ट करके अपने घर में हम लोगों को मिलता है। ठीक है, फिर ये हो गया एक एक एरिया के लिए, एक सबस्टेशन हो गया ये। अभी फिर दूसरे एरिया में दूसरा सबस्टेशन रहता है, तो उधर पावर कैसे भेजते हैं हम लोग, उधर पावर जो है ये ट्रांसमिशन लाइन्स जो रहते हैं वो उसके थ्रू भेजते हैं हम लोग। ये जो बड़े बड़े टावर्स रहते हैं देखते हैं हम लोग, वो उन ट्रांसमिशन लाइन्स को कैरी करते हैं। तो ये है एक 220 केवी लाइन है, ये जाती है एक 220 केवी ट्रांसमिशन सबस्टेशन को। फिर 132 केवी की भी लाइन होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 220 केवी का जो पावर है उसको हम लोग स्टेप डाउन करते हैं 132 केवी लेवल पे, और उसके लिए हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। उसको हम लोग ICT भी बोलते हैं, इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये दो बस को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं एक ही सबस्टेशन पे। तो फिर इस तरह से 132 केवी लाइन जो है वो जाती है दूसरे 132 केवी सबस्टेशन के।
फिर उधर से दूसरे सबस्टेशंस को भी फर्दर लाइन जाते हैं। इस तरह से एक नेटवर्क तैयार होता है, पावर नेटवर्क बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये हो गया 220 KV, 132 KV, फिर 400 KV की भी लाइन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर 220 KV की जो बस है उधर से जाता है एक ICT को जाता है, 400 KV की ICT। उसमें रहता है कि हर एक फेस के लिए एक डिफरेंट ट्रांसफार्मर यूज होता है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस के लिए। फिर वो 220 KV को 400 KV में कन्वर्ट करता है, फिर वो 400 KV के बस में जाती है, फिर उधर से दूसरे 400 KV सबस्टेशन के लिए लाइन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि पूरा कैसे ट्रांसमिशन होता है। फिर अभी ये जो स्विच यार्ड है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कुछ रिले पैनल, कंट्रोल पैनल होते हैं, वो सारे इस कंट्रोल रूम में होते हैं। और उस कंट्रोल रूम के लिए एसी सप्लाई जो लगता है उसके लिए हम लोग एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। वो क्या करता है कि 220 KV की पावर जो है उसको 415 वोल्ट में कन्वर्ट करके ये कंट्रोल रूम को देता है। फिर इधर से ACDB थ्रू लाइटिंग के लिए यूज़ होती है। फिर वो जो ब्रेकर के लिए एसी सप्लाई लगता है उसके लिए यूज लगती है होती है। फिर बैटरी चार्जर के लिए एसी सप्लाई लगता है उसके लिए यूज होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा है कि पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम हमने देखा, अभी कवर किया है। अभी देखेंगे कि ये जो लाइन है और ये जो ट्रांसफार्मर बे, इसको बे बोलते हैं, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है एक ट्रांसफार्मर बे है, ये एक 220 KV का बस है, फिर इधर से एक आइसोलेटर है, बस आइसोलेटर बोलते हैं जिसको। ये आइसोलेटर मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि ये एक ऑफलोड स्विचिंग डिवाइस है। फिर जाता है ब्रेकर को, HV ब्रेकर जिसको बोलते हैं हम लोग। HV ब्रेकर इट इज़ एन ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस। तो वो जो है फॉल्ट होगा तब रिले उसको सिग्नल देगा तो ब्रेकर अपने आप ट्रिप हो जाता है, और नहीं तो इसको हम लोग अगर मेंटेनेंस करना है, लाइन आउट करनी है तो उसको हम लोग हैंड ट्रिप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर जाता है, फिर एक आइसोलेटर होता है उसको लाइन आइसोलेटर बोलते हैं। उसके बाद रहता है एक CT, HV CT। ये CT क्या काम करती है कि CT मेजरिंग डिवाइस है। अभी जो करंट जो फ्लो होता है वो एम्पियर्स, 100 एम्पियर्स, 200 एम्पियर्स ऐसा होता है, तो उसको इतना एम्पियर्स हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये जो है वो स्टेप डाउन करता है करंट को 1 एम्पियर्स 1 एम्पियर में, और फिर उसको हम लोग रिले को या मीटर को देते हैं मेजरिंग पर्पस के लिए। ठीक है, फिर उधर से लाइन PT, एक लाइन PT, अभी तो लाइन PT ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हम लोग, बस PT यूज़ करते हैं। लाइन PT और बस PT सेम ही काम करता है, वो भी वोल्टेज स्टेप डाउन करके रिलेज और मीटर्स को देता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एक। फिर उधर से एक LA है। अभी LA क्या काम करता है कि लाइटनिंग जो है उसके प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो एक नॉन लीनियर रेजिस्टर होता है और वो हाई वो एकदम सडन हाई वोल्टेज पे वो पास करता है वो लाइटनिंग अर्थ में, और नॉर्मल वोल्टेज रहेगा तो वो उसको पास नहीं करता। ठीक है, ये इधर क्यों लगाया है, क्योंकि हम लोगों को एक ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर है इसको प्रोटेक्ट करना है का है, क्योंकि ट्रांसफार्मर बे में ये सबसे कॉस्टलीस्ट इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर, इसको प्रोटेक्ट करना है का है। इसके लिए इसके नज़दीक में हम लोग एक LA लगाते हैं HV साइड में, उसको HV LA बोलते हैं। फिर LV साइड में लगाते हैं उसको LV LA बोलते हैं। फिर उसके बाद एक LV साइड पे एक केबल रहता है, केबल से फिर LV CT में जाता है। LV CT जो है वो भी वही काम करती है, वो LV साइड का करंट मेजर करके रिलेज और मीटर को देती है। फिर LV ब्रेकर रहता है, और उसके बाद LV आइसोलेटर रहता है, और उसके बाद 33 KV बस रहता है। इधर से फिर फीडर्स रहते हैं, वो जो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स है उधर जाते हैं सब। ठीक है, तो ये था पूरा एक ट्रांसफार्मर बे हमने देखा। फिर अभी हम लोग देखेंगे एक लाइन, देखेंगे लाइन बे कैसा होता है। ठीक है, तो लाइन के स्टार्टिंग में जो रहता है, स्टार्टिंग में ही एक LA रहता है, तो लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है, वो लाइटनिंग से प्रोटेक्शन देता है, वो एज ए सोल्जर की तरह रहता है। स्टार्टिंग में ही वो एक LA रहता है, और उसके बाद एक PT रहती है, PT के बाद एक CC और LMU, कपलिंग कैपेसिटर और लाइन मैचिंग यूनिट रहता है। वो ये एक PLCC के लिए इक्विपमेंट है, एक PLCC का जो सिग्नल रहता है, PLCC मतलब पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन,
उसको हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल में। पीएलसीसी जो है कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है और अपने प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन को भी वो सपोर्ट करता है इसके लिए। और ये जो है ये यूनिट जो है वो पीएलसीसी का सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए ये यूनिट यूज़ होता है। फिर उसके बाद वेव ट्रैप है, वेव ट्रैप जो है वही पीएलसीसी का जो सिग्नल है उसको वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करता है ताकि अपना हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो अपने पावर सिस्टम में ना जाए, इसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सीटी है, सीटी वही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद लाइन आइसोलेटर है, ब्रेकर है, बस आइसोलेटर है, फिर वो ये बस है। ओके, तो इस तरह से हमने एक ट्रांसफार्मर बे देखा और लाइन बे देखा। फिर बाद में बाद के लेक्चर्स में हम लोग ये जो डिटेल्स, ये जो इक्विपमेंट है उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, सब डिटेल में देखेंगे बाद में। तो इस तरह से हमने आज देखा कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे होता है, उसका एक ओवरव्यू हमने देखा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या है और इसका जो है थियोरी जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे हम लोग। और थैंक यू वेरी मच गाइस।